अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के साथ दाने। एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के कितने दाने? सात दाने। हथेली में रखकर अपनी कामना कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए आपकी मनोकामना। कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और सात काली तिल्ली के दाने मात्र। माताओं की आदत होती है जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीज पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अभीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ाए। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी हो, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से लुट जाता है। व्यक्ति अगर रुपया खाकर बैठ गया, पैसा लेकर चले गया, नहीं दे रहा, धन डूब रहा है, तुमने 25 बार फोन लगा दिया, हमारा पैसा दे दो भैया, हमारा धन दे दो भैया, हमारा रुपया खा गया, कोई पैसा कोई माल अटक गया, डूब गया, तो स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि तांबे के कलश में जल लेकर गुड़ डालकर, लाल फूल डालकर, चावल डालकर और मिर्ची लाल मिर्च के 11 दाने उसके अंदर डालकर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है, हमारा धन देने के लिए खड़का आता है। बस दो तीन रविवार करना, जो पैसा लेकर डूब ले गया दे नहीं रहा उसका नाम का स्मरण कर लो, उस व्यक्ति की सूरत का स्मरण कर लो, सूर्य बाबा से विनती कर। कोई ध्यान रखें जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है या सोमवार है या कोई विशेष आपका उत्सव है तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं, या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा तो आप धतूरा चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है, हल्दी में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए, चंदन में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए, अभीर एक सफेद कलर का पाउडर होता है, अभीर गुलाल जो होती है गुलाल में अभीर डलता है चमकदार, आपने देखा होगा अभीर, तो अभीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अभीर को लगा कर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता? जब अभिषेक होता है शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। शिव जी शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उधर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए, आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्वदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो बैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है, पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है
है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेल पत्र हम संकट से मांग कर ला रहे हैं उनसे कह कर लाओ हमें औषधि दे दीजिए। तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगे। शिवलिंग को तीन उंगली का स्पर्श, नखकने, ये तीन जो हमारे पोर देखते हैं, आपकी उंगली में तीन पोर, ये तीन खंड, तीन पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो शिवलिंग को, इन तीन पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात संकट से सहकर कंठ से उस पोर को लगाकर नैनों से छुआ कर झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर कर आओ। बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख जो तकलीफ जो कष्ट जो बीमारी आया तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना शिव स्वीकार। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है, वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है, लौंग मात्र अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करें। जो बेलपत्र चढ़ती है वो उल्टी चढ़ती है, सब लोग ऐसी चढ़ते हो ना, अरे बोलो तो जम के, मतलब जो जी ये जो चिकना चिकना सा भाग है ये शिवलिंग की ओर होता है, ठीक है। नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ती है तो वो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ती, वो बेलपत्र सीधी चढ़ती है। का क्या कारण होता है? आसन के ऊपर कोई बैठ रहा है तो आसन उल्टा बिछाओगे कि सीधा बिछाओगे? बोलो बोलो जम के, सीधा बिछाओगे ना, तो नंदी पर हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ाना, नंदी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सीधी चढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि नंदी पर भगवान शंकर आसन लगाकर बैठते हैं तो हमारी बेलपत्री का सुख उनको प्राप्त हो जाए। ऐसे है स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया, जिन वृक्षों का दान नहीं है, जिनका दान देने से संपदा घटती है, घर में रखी हुई पैसा दौलत संपदा घटती चली जाती है। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, अगर आपने भी दिया होगा तो आपको ज्ञात होगा, दो वृक्ष, एक मनी प्लांट, मनी प्लांट होता है पौधा होता है जिसको लोग पानी में डालते हैं वो बढ़ता है, मनी प्लांट का पौधा भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए दान में, अर्थात किसी को नहीं देना चाहिए, उससे घर में रखी हुई संपदा समाप्त होती है। दूसरा आंवले का पौधा किसी को नहीं देना चाहिए, आंवले का पौधा बन सके आप किसी बगीचे में जाकर लगा दीजिए, पर अपने हाथ से आंवले के पौधे का दान नहीं होना चाहिए, स्वयं लगाओ जाकर खुद। जितना आंवले का वृक्ष बढ़ता है उतनी संपदा आपको बढ़ेगी, उतनी जितना जितना फलेगा उतना आपको मिलेगा, पर यदि आपने आंवले का पौधा, आंवले का रोग, आंवले का वृक्ष अपने घर के दरवाजे से किसी को दे दिया तो उस घर में मेहनत तो बहुत करोगे, बहुत संघर्ष भी करोगे, बहुत कमाओगे, घर में 10 लोग कमाने वाले होंगे पर पैसा घर में दिखेगा नहीं। दो कर को बेलपत्र चढ़ाने से किस किस चीज की प्राप्ति होती है, किस किस चीज की प्राप्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र यदि शिव को समर्पित करा जाता है तो रिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है, दूसरा बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो सिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है, तीसरा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो श्री गणेश हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं, चौथा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। हरे महादेव। साथियों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। साथियों यह सारे उपाय मासिक शिवरात्रि के साथ साथ आप महाशिवरात्रि पर भी जरूर करें, महावर्ष में एक महाशिवरात्रि आती है और हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है जिन पर आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।